तो नमस्कार। तो आज जो है हमारी वोकैब की दूसरी क्लास है और हम रूट वर्ड से मीनिंग्स को याद करने, मीनिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम याद हमें कम से कम करना पड़े और हमारे पास वोकैब का जो खजाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसी क्रम में आज जो रूट वर्ड है उसका नाम है एम्ब या एमी, एम्ब या एम्बी। ये रूट वर्ड है, यानी एम्ब या एम्बी से बहुत सारे शब्द बनेंगे। ये रूट वर्ड है, आपको बस इसका मतलब ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। एम्ब या एम्बी जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अराउंड, इर्द गिर्द, अराउंड या अबाउट, अबाउट यानी किसी के बारे में, या फिर बोथ, या फिर बोथ। तो आज का रूट वर्ड जो है वो है एम्ब या एम्बी। इससे बहुत सारे शब्द हम देखेंगे, कम से कम 20-25 शब्द देखेंगे इससे रिलेटेड। और इस रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है? अराउंड या फिर अबाउट या फिर बोथ। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक बार हम उसकी एक बार उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एम्ब या एम्बी से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? एम्बल, इसी से एक शब्द निकला हुआ है एम्बुलेंस, इसी से फिर एक शब्द निकला हुआ है एम्ब्यूलेट, फिर इसी से एक शब्द और निकला है एम्बिडेक्स्टर, एम्बी डेक्स्टर इसका अपोजिट जो होता है वो एम्बी, एम्बी सिनिस्टर होता है, एम्बी डेक्स्टर, एम्बी सिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा एम्बी वैलेंट, एम्बी वैलेंट, इसी से एक शब्द और बना है एम्बी वैलेंस, एम्बी वैलेंस। उसके बाद एम्बीवर्ट, देखिए सब में MAMB या AMBI आ रहा है। इसी के साथ एक और शब्द है पैरम्ब्यूलेटर, पैरम्ब्यू लेटर बोलते जाओ। ये सारे वर्ड्स हम आज सीखेंगे कि इनका मीनिंग्स क्या होता है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, आई है GUITY। इसी के साथ एक शब्द और है, इसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूएस, एम्बिग्यूएस। फिर और शब्द है एम्बियंस, एम्बियंस, और इसी से एक शब्द बना है एम्बियंट, AMBIENT, चल नहीं रहा पेन मेरा, AMBIENT, तो इस प्रकार का एक शब्द बनेगा। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि जो भी वर्ड्स हमने देखे हैं उन सब में AMB, AMB सब में AMBY, AMBI कॉमन है, यानी इनका जो मतलब है इन सारे वर्ड्स का, यदि हम बिना सोचे समझे हमने, यदि हमें हमने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ रखा तो भी हम एक तुक्का मार सकते हैं कि इनका मतलब क्या होगा। अराउंड या अबाउट या बोथ के आसपास ही घूमेगा। तो रूट वर्ड से याद करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई चीज़ पता नहीं है लेकिन आपको रूट वर्ड यदि ध्यान में है तो आप उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक शब्द को लेते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। तो चलते हैं, पहला शब्द जो है वह है एम्बल,
AMBLE, एम्बल, ये वर्ब है। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? वर्ब। आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी ध्यान में रखनी है, तभी आप उस वर्ड का यूज कर पाएंगे। आपको वर्ड्स तो बहुत सारे याद हैं, लेकिन आपको उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद नहीं है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब है कि वो जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है या फिर वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, क्या है वो, तभी तो आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या चीज़ है वो उसका। जैसे राम है, हिंदी में बोलता हूँ तो राम क्या है? एक नाम है ना, यानी संज्ञा है ये, तो यानी नाउन है। अब ये क्रिया थोड़ी ना हो सकती है, ठीक है, ये विशेषण थोड़ी ना हो सकता है, ये सर्वनाम थोड़ी ना हो सकता है। यानी आपको हिंदी में तो पता है कि किसी भी चीज़ का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, उसका व्याकरण का कौन सा, व्याकरण के कौन से हिस्से में ये आता है। लेकिन आपको इंग्लिश का भी ध्यान होना चाहिए साथ ही साथ, कि इंग्लिश की जो भी कोई वर्ड है तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तभी आप उसको सेंटेंस में अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब ये एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल का मतलब होता है कोई व्यक्ति बड़ी मस्ती से जा रहा है, मस्ती में कोई चल रहा है, तो उसको बोलते हैं, यानी वॉक लेजरली, LEISURELY, लेजरली की स्पेलिंग देख लेना। लेजर का मतलब है बड़े ही आरामदायक तरीके से। लेजर जो है अपने आप में ये रूट वर्ड है। लेजर का मतलब होता है कि आराम से संबंधित होता है ये शब्द। तो एम्बल का मतलब है टू वॉक लेजरली, यानी कि बहुत ही आराम से मस्ती से चलना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बल। इसी के साथ अगला शब्द एम्बुलेट। एम्बुलेट ये एक वर्ब है। एम्बुलेट AMB आ गया, और AMB का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, मीनिंग क्या बताया था? अराउंड, है ना, अराउंड। अराउंड का मतलब है कि इर्द गिर्द, के इर्द गिर्द यानी के आसपास। तो इसका मतलब होता है इधर उधर चलना, इधर उधर चलना, यानी जिग जैग तरीके से। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो कैसे चलता है वो, है ना, जिग जैग चलता है ना। तो इसकी का एम्बुलेट का मतलब है इधर उधर चलना, जिधर से रास्ता मिले उधर से चलना, जिधर से रास्ता मिला उधर से ही वो चल दिया। इसी से एक शब्द बना है, आपने ध्यान दिया होगा, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ये नाउन है। एम्बुलेंस पुराने टाइम में जब वॉर होता था, युद्ध होता था, तो युद्ध में कोई सैनिक घायल हो जाता था तो उसको उठा के स्ट्रेचर पे उस आदमी को लिटा के और उसको दो आदमी पकड़ के ले जाते थे। अब चूंकि युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे जगह तो है नहीं, चारों तरफ बम गोले बारूद चल रहे हैं, तो ये दोनों जो सैनिक होते थे स्ट्रेचर लेके जो जाते थे, वो जिधर से जगह मिलती थी उधर से ही वो निकल जाते थे। अब कोई कोई सीधा रास्ता तो है नहीं कि आपको पास दिया जा रहा है कि आप इसको ले जाइए, इस आदमी को, इस घायल आदमी को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाइए, ऐसा कोई जगह तो देगा नहीं। तो आपको जहाँ से जगह मिली वहीं से आड़ा तिरछा टेढ़ा करके निकालना है उसको, निकल के और आपको युद्ध क्षेत्र से बाहर, वार जोन से बाहर निकलना है। तो वहीं से एम्बुलेट से ही एम्बुलेंस बना है। तो ये जो स्ट्रेचर है इसको हमने क्या नाम दिया? एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जो होता है वो एम्बुलेट करके निकलता है, यानी कि इधर उधर जिग जैग तरीके से, जिधर से रास्ता मिला उधर से वो निकल गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एम्बुलेंस। मोटर का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, लेकिन जैसे ही मोटर का आविष्कार हुआ, इंजन का आविष्कार हुआ, तो फिर जो गाड़ी हुई जो कि घायलों को ले जाती है उसका नाम भी हमने क्या दे दिया? एम्बुलेंस दे दिया। ठीक है, तो इसके पीछे की ये कहानी थी। एम्बुलेट से क्या बन गया? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यानी कि वही जो घायल व्यक्ति को ले जाती है, जो हेल्थ वाइज जो क्रिटिकल है, स्टेज पर है, उसको ले जाने वाली जो गाड़ी होती है वो क्या कहलाती है? एम्बुलेंस कहलाती है। बात समझ में आ गई? चलिए आ गई। तो चीज़ों को रिलेट करके हमें पढ़ना है। एम्बुलेट से एम्बुलेंस बना है। अगला जो शब्द है
थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान रख लेना, सोमनम ब्यूलिस्ट ध्यान से समझ लेना, SOMN। अब यदि आप इसको टुकड़े में तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे, तो बहुत आसान होगा और कभी भी आप इसकी स्पेलिंग को गलत नहीं करेंगे। सोमनम ब्यूलिस्ट, अब SOMN, SOMN जो है ये स्लीप से है, सोमन ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है स्लीप यानी नींद, इसका मतलब है नींद। SOMN रूट वर्ड है, जैसे आपने देखा होगा ना कि इंग्लिश में पढ़ा है कि इंसोमेनिया, इंसोमेनिया अनिद्रा, अनिद्रा रोग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंसोमेनिया, INSOMANIA। तो SOM आया कि नहीं आया, SOM आया, इसका मतलब ये, इसका मतलब भी क्या है, नींद है। तो ये SOMN जो है ये रूट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, स्लीप अनिद्रा, नींद से संबंधित है ये। फिर AMB रूट वर्ड आ गया और IST लगा के ये हमने क्या बना दिया, इसको कॉमन नाउन बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। ध्यान से समझ लेना, कोई भी चीज़ के पीछे IST लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे जैसे कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म है, लेकिन एक है कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। IST लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, कॉमन नाउन है, सोमनम ब्यूलिस्ट। तो अब सोमनम ब्यूलिस्ट का अर्थ क्या होता है, नींद में चलने वाला आदमी, नींद में। AMB का मतलब क्या था, AMB का मतलब क्या था, अराउंड था ना, AMB का मतलब क्या था, अराउंड यानी नींद, नींद में इर्द गिर्द चलने वाला आदमी, यानी इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा नींद में चलने वाला आदमी क्या कहलाता है, सोमनम ब्यूलिस्ट। तो ये वन वर्ड में भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, क्या बोलेंगे उसको, सोमनम ब्यूलिस्ट। इसी से एक शब्द और बना निकला है, इसी से एक शब्द और निकला है, मैं थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूँ। और वो शब्द है सोमनम ब्यूलिज्म, IST घोटा के ISM लगा दिया, सोमनम ब्यूलिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी ऐसी चीज, नींद में चलने वाला जो आदमी होता है उसका जो मैकेनिज्म होता है, उसकी जो क्रियाविधि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनम ब्यूलिज्म, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इसी से बना हुआ है, ये इसी से बना है, सोमनम ब्यूलिस्ट से, सोमनम ब्यूलिज्म, ठीक है। तो ये नींद से चलने से ही रिलेटेड है ये दोनों ही शब्द। आगे देखते हैं, अगला शब्द है एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर, AMBI ये रूट वर्ड हो गया और DIXTER। अब इसके पीछे की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं, जिसको हम डेक्स्टर कहते हैं लेटिन भाषा में जो लोग दाएं हाथ से लिखते थे उनको हम डेक्स्टर बोलते थे, जो दाएं हाथ से लिखते थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो दाएं हाथ से लिखते थे लेटिन भाषा में उसको हम क्या बोलते थे, डेक्स्टर बोलते थे। अच्छा, और दाएं हाथ से जो काम करते हैं उनको हम नॉर्मल व्यक्ति मानते हैं, यानी ये मानते हैं कि हाँ ये आदमी ठीक है। जब लेटिन वर्ल्ड में, जो पुराना जो लेटिन वर्ल्ड था जहाँ पे लेटिन भाषा बोली जाती थी, तो वहाँ पे जो दाएं हाथ से काम करने वाले थे उनको ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता था कि भगवान का आशीर्वाद इनके साथ है, क्योंकि दाएं हाथ से आदमी काम करता है, नॉर्मल आदमी कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बाएं हाथ से काम करता था तो उसको हम उसको लेटिन भाषा में बोलते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर, यानी ये माना जाता है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है तभी ये बाएं हाथ से लिख रहा है, इसके साथ अपशकुन हुआ है। तो दाएं हाथ
डिक्स्टर को तो हमने ये मान लिया कि ईश्वर का आशीर्वाद है इसके साथ, और बाएं हाथ को हमने क्या मान लिया, बाएं हाथ से जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सिनिस्टर, यानी इसके साथ कुछ अपशकुन है। तो आगे चल के ये जो है, आगे आगे चल के जैसे जैसे भाषा डेवलप हुई तो इसका मतलब हो गया स्किलफुल। स्किल यानी कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यदि स्किल है, भगवान का आशीर्वाद है, मतलब स्किल है उसके पास, कोई कौशल है, तो हम उसको डिक्स्टर बोलेंगे। और यदि उसके अंदर स्किल नहीं है, स्किल नहीं है उसके हाथों में, स्किल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनिस्टर बोलेंगे। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब इस हिस्ट्री को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो डिक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल और एमबी का मतलब होता है बोथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से, जो दोनों हाथों से दोनों हाथों में कौशल हो जिसके साथ, क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथों में कुशलता हो। जैसे अ पर्सन हु हैज स्किल्ड विद बोथ हैंड, अ पर्सन हु हैज स्किल्ड विद बोथ हैंड्स, लिखते ही चलो साथ साथ में, ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथों में कुशलता हो, मैं लिख देता हूं, अ पर्सन हु हैज स्किल्ड विद बोथ हैंड्स। जैसे थ्री इडियट्स में आपने देखा था वीरू सहस्र बुद्धि जो था, जो प्रोफेसर था, उसको दोनों हाथों से लिखना आता था, उसके दोनों हाथों से वो लिख सकता था, इसलिए वो क्या था, एमबी डेक्स्टर था। इसी के साथ एक शब्द और लगे हाथ, एमबी सिनिस्टर, एमबी सिनिस्टर इसका एंटोनिम है, यानी इसका विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द क्या है, एमबी सिनिस्टर। एमबी का मतलब होता है बोथ, और सिनिस्टर का मतलब होता है जिसके हाथ में, जिसके दोनों हाथ में स्किल नहीं हो, यानी दोनों हाथ से वो अकार्यकुशल हो, अदक्ष हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एमबी सिनिस्टर। तो ये इसका एंटोनिम है एमबी डेक्स्टर का, एमबी सिनिस्टर। आगे वर्ड लेते हैं, एमबी डेक्स्टर से, एमबी डेक्स्टर से, एमबी डेक्स्ट्रस बना है। यदि एक वर्ड को आप यदि ध्यान में रख लेते हैं तो उससे एक नया शब्द भी आपको पता चल जाता है। एमबी डेक्स्टर से क्या बना, एमबी डेक्स्ट्रस, यानी दोनों हाथों से जो आदमी, दोनों हाथों से कार्य करने की जो कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एमबी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये एडजेक्टिव होता है, ये किसी की विशेषता को बताता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से कार्य करने में सक्षम हो, तो वो कार्यकुशलता क्या कहलाती है, एमबी डेक्स्टर कहलाती है, डेक्स्ट्रस। और इसी तरीके से एमबी सिनिस्टर से क्या बना, एमबी सिनिस्ट्रस, AMBISINISTERUS, ये भी एडजेक्टिव है, यानी कोई दोनों हाथों से यदि कोई व्यक्ति अकार्यकुशल है तो उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एमबी सिनिस्ट्रस बोलते हैं, उस बुरी क्षमता को, ये क्षमता तो होगी नहीं अच्छी, ये मतलब बुरी क्षमता को हम क्या बोलेंगे, एमबी सिनिस्ट्रस बोलेंगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता को बताता है। तो एमबी डेक्स्टर याद किया तो एमबी डेक्स्ट्रस याद हो गया, एमबी सिनिस्टर याद किया तो एमबी सिनिस्ट्रस याद हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके हमें याद करते चलना है। अगला वर्ड जो है वो है एम्बिलेटरल, बोलिए मेरे साथ एम्बिलेटरल। अब रूट वर्ड आपको बताया था मैंने, एमबी, एमबी का मतलब होता है बोथ, और लेटरल का मतलब होता है साइड, लेटरल का मतलब होता है साइड, पक्ष, लेटरल का मतलब होता है पक्ष। तो बोथ साइड, दोनों पक्ष, जैसे भारत और अमेरिका, इन दोनों में समझौता होता है। अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर यदि यूएस से जाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यदि यूएस से जाते हैं, तो दोनों के बीच में समझौता होता है कि जो भी है मैं तुम्हें ग्रांट दूंगा, मैं तुम्हें अनुदान दूंगा, यूएसए कहेगा इंडिया को, लेकिन बदले में वो क्या चाहेगा,
मतलब में ये चाहेगा कि मुझे वहाँ पे बिजनेस करने का, मुझे व्यापार करने के लिए वहाँ पे मुझे मार्केट अवेलेबल कराओ, जीएसटी कम करो, या जो भी टैक्स, जो भी जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे हमें उस बाज़ार में कम करके दिखाओ, ताकि हमारी कंपनियां वहाँ पे जाके और प्रोडक्शन करें और मुनाफा कमा सकें। तो इंडिया को यूएसए जो है, इंडिया का फ़ायदा हो गया कि यूएसए उसको ग्रांट दे रहा है, उसको अनुदान दे रहा है, उसको रुपए दे रहा है, कुछ सहायता दे रहा है। और यूएसए का क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे उसको मार्केट अवेलेबल हो रहा है। इंडिया जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है ना, तो वहाँ पे हर कोई आदमी जो है मार्केट चाहता है कि मेरा वहाँ पे मार्केट, वहाँ मार्केट तक मेरी एक्सेस हो, पहुँच हो। तो ऐसे जो समझौते होते हैं, जो द्विपक्षीय होते हैं, उनको हम एम्बिलेटरल कहते हैं। एम्बिलेटरल जो द्विपक्षीय, जिसमें दोनों पक्षों का फ़ायदा हो, द्विपक्षीय, एक पक्षीय नहीं, द्विपक्षीय। और यदि एक पक्ष का फ़ायदा हो, यदि समझौता एक पक्षीय हो, तो उसको मोनोलेटरल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और लेटरल का मतलब होता है पक्ष, यानी केवल एक ही पक्ष का फ़ायदा हो रहा है। मान लो कि इंडिया को कोई फ़ायदा ही नहीं हो यूएसए से, और यूएसए उसका फ़ायदा लिए जा रहा है, तो ये मोनोलेटरल हो गया। जैसे खून चूसने वाली बात होती है ना, कि खून चूसे जा रहे हैं, तो वही बात है कि ये मोनोलेटरल हो गया, इसमें कि एक ही पक्ष का फ़ायदा हुआ, दूसरे पक्ष का हुआ ही नहीं, तो ये मोनोलेटरल हुआ। मोनो का मतलब होता है सिंगल। एम्बिलेटरल का जो सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची, उसको हम बाईलेटरल भी कह सकते हैं। बाईलेटरल, बाई का मतलब होता है बोथ, बाई का मतलब होता है बोथ, और लेटरल का मतलब होता है साइड। यानी एम्बिलेटरल का जो सिनोनिम है वो बाईलेटरल भी होता है, बोथ साइड्स, दोनों का अर्थ एक ही होता है, द्विपक्षीय। ठीक है, ये दो देशों के बीच में जब भी कोई समझौता होता है, दो आदमियों के बीच में जब कोई समझौता होता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द्विपक्षीय। अगला जो वर्ड है वो है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवेलेंट। अब एम्बी का मतलब क्या होता है? बोथ। और वेलेंट का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, टेंथ तक तो पढ़ रखी होगी ना, कम से कम टेंथ तक तो पढ़ रखी है, और उसमें रिएक्शन होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है, उनकी संयोजकता होती है, वो किधर जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। तो वैलेंस, वैलेंसी से वैलेंट बना है। वैलेंट का मतलब होता है रुझान या झुकाव, कि उसका झुकाव किस तरफ है, झुकाव किस तरफ वो जाना चाहता है, किस तरफ वो वैलेंसी को पूरा करेगा। तो एमबी का मतलब बोथ, वैलेंट का मतलब झुकाव, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय में दो दिशाओं में अपना इंटरेस्ट शो करता है। क्या बोला मैंने? ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो एक टाइम में दो दो तरफ अपना झुकाव, इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी कुल मिला के वो कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम किया जा सकता है, एक ही तरफ अपने आप को झोंका जा सकता है। यदि दो दो तरफ आदमी किसी को झोंक रहा है कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो फिर वो कन्फ्यूज्ड है। तो कन्फ्यूज्ड को हम क्या बोलते हैं? एमबी वैलेंट बोलते हैं। ये एजेक्टिव है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एजेक्टिव। इसी से एक शब्द बना है एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस, तो जो चीज, जो व्यक्ति कन्फ्यूज्ड है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एम्बीवेलेंस बोलते हैं। ये नाउन है। तो एम्बीवेलेंट और एम्बीवेलेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों का अर्थ कन्फ्यूज्ड है, लेकिन ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग है। ये एजेक्टिव है और ये नाउन है। अगला वर्ड इसी से जुड़ा सा एक शब्द होता है इक्विवोकल। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इक्विवोकल, अब हमें कंफ्यूज कराया जाता है, हमें कंफ्यूज कराया जाता है एमबी वैलेंट एंड इक्विवोकल से। ये दोनों शब्दों में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, और हमें लगता है कि ये दोनों ही शब्द
एक जैसे हैं। अब हिंदी में आप दोनों का अर्थ ढूंढेंगे तो सेम मिलेगा इसका अर्थ, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी वर्ड की सेंस को डेवलप करना पड़ेगा कि आप इस वर्ड का सेंस क्या है, और ये सेंस तभी डेवलप होगी जब आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे, और जो मैं ये वर्ड्स बता रहा हूँ उसको आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत, कहीं देखेंगे कि ये लाइन इस सेंटेंस इस वर्ड से रिलेटेड कोई लाइन्स आई है तो उसको आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहे इससे। तो सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एम्बिवेलेंट जो होता है, एम्बिवेलेंट जो होता है वो तो कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज होता है, वो दो दो दिशाओं में अपने इंटरेस्ट को शो करता है एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम। लेकिन इक्विवोकल जो होता है, वो इक्वी का मतलब होता है बराबर, इक्वल, इक्वी जो है इक्वल से बना है, और वो वी ओ सी जो है, वी ओ सी, वी ओ सी, वी ओ सी का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बोलना, है ना, वोकेबलरी, है ना, वोकल सिस्टम, हमारा जो बोलने का सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे किससे बने हैं? वी ओ सी रूट वर्ड से बने हैं, इसका मतलब है बोलना। तो इक्वी वोकल यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सब तरफ बराबर बराबर बोले, यानी हर पक्ष को बराबर बराबर बोले, ऐसा इंसान जो हर पक्ष से बराबर बोलता है। यानी जैसे हमने देखा होगा ना कई बार कि कोई व्यक्ति होता है वो कहता है हाँ यार तू भी ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति उसका अपोज करता है तो उसको भी कहता है कि हाँ यार तू भी ठीक है, तीसरा व्यक्ति तीसरी बात रख रहा है तो कहता है हाँ तू भी ठीक है। तो समझ ही नहीं आता उन सबको कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, इसका स्टैंड क्या है, इसका स्टैंड क्या है, क्योंकि ये हर पक्ष को बोल रहा है हाँ तुम भी ठीक है, तुम भी ठीक है, तुम भी ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वी वोकल शब्द यूज करते हैं। वो कन्फ्यूज नहीं है, ध्यान रखना, वो व्यक्ति कन्फ्यूज नहीं है, वो दूसरों को कन्फ्यूज कर रहा है। इक्वी वोकल जो पर्सन होता है बड़ा ही तेज होता है, वो कन्फ्यूज नहीं होता, वो हर पक्ष को बराबर बराबर सबको हाँ हाँ बोलता है, तो सामने वाले पार्टियों को समझ ही नहीं आता कि इसका एजेंडा क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसका स्टैंड क्या है। तो वो कन्फ्यूज नहीं होता, वो सामने वाले को कन्फ्यूज करता है। तो इक्विवोकल और एम्बिवेलेंट में ये फर्क है। एम्बिवेलेंट तो खुद कन्फ्यूज होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, इक्विवोकल को पता होता है कि मुझे किसी के पक्ष में नहीं बोलना, वो सामने वालों को कन्फ्यूज करता है। ठीक है, तो ये दोनों फर्क होता है दोनों में। अगला वर्ड, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं कि जब धारा 370 स्क्रैप की गई थी, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था इंडिया में जे एंड के से, तो न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन आई थी कि वी अन इक्विवोकली, वी अन इक्विवोकली सपोर्ट दिश, दिश का मतलब आर्टिकल 370, यानी अन इक्विवोकली का मतलब है कि एक मत से। इक्विवोकली का मतलब होता है कि हर पक्ष के लिए बराबर बराबर बोले कि हाँ धारा 370 हटानी है, हाँ जी तुम भी सही हो, नहीं हटानी, हाँ तुम भी सही हो। लेकिन अन इक्विवोकली, यू एन लग गया, इसका मतलब ये अपोजिट हो गया, एंटनिम हो गया, यानी नेगेटिव हो गया, यानी इसका अर्थ होता है एक मत से, एक मत से। अन इक्विवोकली का मतलब है एक मत से। तो इक्विवोकल हमने सीख लिया, अन इक्विवोकली सीख लिया, एम्बिवेलेंट हमने पहले सीख लिया था, तो चीज़ों को रिलेट करके हमें सीखना पड़ेगा। अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड है एम्बीवर्ट, AMBIVERT, एम्बीवर्ट। अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं। AMBI, एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और VERT ये रूट वर्ड है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मुड़ना, टर्न। इसका मतलब क्या होता है? टर्न करना। एमबी का मतलब बोथ और वर्ड का मतलब टर्न करना। इस वर्ड को आने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपने बहुत ही कॉमन तरीके से सुन रखा होगा इंट्रोवर्ट, इंट्रो वर्ड, इंट्रो वर्ड।
अब VERT इसमें भी आया है। VERT का मतलब क्या होता है? टर्न करना। आपने एक शब्द और सुन रखा होगा, एक्सट्रोवर्ट। यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, मनोविज्ञान पढ़ा है, तो आपने देखा होगा, वैसे आपको पता होता है कि जो तीन प्रकार की पर्सनालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। अब क्या होता है बताता हूँ। VERT का मतलब फिर से क्या हो गया? टर्न करना। EINTR ये इसका मतलब होता है अंदर की तरफ, इंट्रो अंदर, इंटर, इंटर से बना है, प्रवेश करना है ना, अपने अंदर प्रवेश करना, तो इंट्रो अंदर। एक्स्ट्रो एग्जिट, एग्जिट से बना है बाहर, वर्ट का मतलब मुड़ना। तो इंट्रोवर्ट की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अंदर की तरफ मुड़ा हो, जो अपने अंदर ही गुमसुम रहता हो, अपने अंदर ही खोया खोया सा रहता हो, गुमसुम नहीं कहूँगा, अपने अंदर ही खोया खोया सा रहता हो, लोगों से जुड़ाव कम हो उसका, तो इंट्रोवर्ट जो है इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ टर्न कर गया वो आदमी, जो है वो अंदर की तरफ टर्न कर गया। एक्स्ट्रोवर्ट जो होता है वो बहुत ही बातूनी होता है, लोगों से जुड़ाव रखता है, लोगों के बीच में फेमस होता है। एक्स्ट्रोवर्ट यानी कि व्यवहारिक होता है, वो देश दुनिया से जुड़ा रहता है। तो एक्स्ट्रो का मतलब है बाहर की तरफ टर्न करना। इसी से एक शब्द आता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है बोथ और वर्ट का मतलब होता है रूट, यानी ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट दोनों है, दोनों है, यानी उसके अंदर इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है और एक्स्ट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है, यानी बोथ क्वालिटीज हैं, बोथ क्वालिटीज हैं, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो दोनों दिशाओं में मुड़ा हुआ है, इंट्रोवर्ट भी है, यदि टाइम आता है तो वो इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, और जब मौका आता है एक्स्ट्रोवर्ट होने का तो वो एक्स्ट्रोवर्ट हो जाता है। ये दोनों क्वालिटीज को रखता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमबी वर्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है पैरम्ब्यूलेटर। पैरम्ब्यूलेटर, अब इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। AMB आ गया कि नहीं आया? और AMB का अर्थ क्या बताया था मैंने? अराउंड। इसका अर्थ होता है बेबी कैरिज। आपने देखा होगा कि बच्चों को घुमाने के लिए आजकल गाड़ी सी होती है बच्चों की, इस तरह से, हालांकि मैं ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इस तरह की कुछ गाड़ी सी होती है बच्चों को घुमाने के लिए, इस तरह की ट्रॉली सी होती है आजकल, तो बच्चों को घुमाने के लिए इसमें बच्चों को बिठा दिया जाता है और बच्चों को इसी पीछे से, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनके, वो पकड़े रखते हैं और उसको आगे चलाए रखते हैं। तो ये अब जो बच्चों को, जो छोटे बच्चों को जिसमें डालकर घुमाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरम्ब्यूलेटर। ये एम्बुलेंस से ही निकला है, आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि एम्बुलेंस से ही निकला हुआ है पैरम्ब्यूलेटर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, कि ऐसी गाड़ी का नाम बताओ जो कि बच्चों को घुमाती हो, वन हु ट्रेवल्स अराउंड। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका मतलब क्या होता है? पैरम्ब्यूलेटर। चलते हैं आगे। अगला जो वर्ड है वो है एम्बीपैरिश। अब देखो इसमें भी AMB आ गया, एम्बीपैरिश। AMB आया इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं बोथ होगा, कहीं ना कहीं इसमें इसका जो सेंस है बोथ, अराउंड, इस तरह का सेंस होगा इसमें। एम्बीपैरिश का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐसे पौधे जिनमें फूल और पत्तियां दोनों पाई जाती हैं, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स, हैविंग लीव्स भी हैं उसमें और फ्लावर्स भी हैं, यानी उसमें पत्तियां भी हैं और पुष्प भी हैं, फूल भी हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एम्बीपैरिश कहलाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे पौधे हैं जिनमें फूल, जैसे गुलाब का पौधा है तो उसमें फूल भी लगता है, गुलाब का फूल, और पत्तियां तो होती ही हैं, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्बीपैरिश कहलाते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस एडजेक्टिव है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल
AMBI आ गया, इसका मतलब है बोथ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी ये अनसर्टेनिटी के लिए आता है, UNCERTAIN। कोई चीज़ यदि अनसर्टेन है, कोई चीज़ यदि अनसर्टेन यानी अनिश्चित है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कन्फ्यूज्ड है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बोथ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, एम्बिग्यूस बोलेंगे। इसी से एक शब्द और बनता है एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूस सही क्या बना है एम्बिग्यूटी, और इसका मतलब भी अनसर्टेनिटी ही है, लेकिन ये इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है। ITY लग गया, ITY जब भी लग जाता है तो वो क्या बनाता है, नाउन बनाता है, क्या बनाता है वो, नाउन। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ मिटा के, एम्बिग्यूस से क्या बना नया शब्द, उसका नाम है एम्बिग्यूटी। तो ITY जब भी लग जाता है, यूनिटी है ना, एकता, तो ITY जैसे भी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अर्थ इसका भी यही है, अनसर्टेन। तो ITY लग के इस क्या बन गया, ये नाउन, दोनों का अर्थ एक ही है, अनसर्टेनिटी। अगला शब्द लेते हैं, अगला शब्द है एम्बियंस, बोलिए मेरे साथ AMBIENC, ये लास्ट शब्द है, लास्ट एम्बियंस, ये नाउन है, इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन, और इसका मतलब होता है आसपास का वातावरण, एटमोस्फियर, आसपास का वातावरण, पर इसका सेंस वैसा नहीं होता जो एटमोस्फियर से आप समझ रहे हैं, ये किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है, कोई आर्टिफिशियल जो एटमोस्फियर है उससे जुड़ा होता है, कोई नेचुरल एटमोस्फियर की बात नहीं चल रही है। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि द रेस्टोरेंट्स, मान लो कोई पुराना रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई पुराना रेस्टोरेंट्स और वो बड़ा ही और वो चल नहीं रहा, वो आउटडेटेड है, उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उसका ऑनर जो है वो ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। अब उसको क्या है, किसी दूसरे ऑनर ने खरीद लिया और अब वो रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि द रेस्टोरेंट्स न्यू ऑनर हैज क्रिएटेड अ वेलकमिंग एम्बियंस, यानी जो उसका जो ऑनर है नया वाला, उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही वेलकमिंग है, यानी उसने आसपास का जो वातावरण है उसको बिल्कुल ही वेलकमिंग कर दिया है। हर आदमी वहाँ जाने के लिए इच्छुक रहता है कि वहाँ पे बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा ही वेलकमिंग है। तो इस प्रकार का जो वातावरण हो, जो आदमी के द्वारा चेंज किया जा सके या फिर आर्टिफिशियल हो, मैं लिख देता हूँ, द रेस्टोरेंट्स न्यू ऑनर, जो नया ऑनर है उसने क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट किया, क्रिएटेड अ वेलकमिंग एम्बियंस, वेलकमिंग एम्बियंस, यानी आसपास का वातावरण वेलकमिंग हो गया, उसने क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए हम एम्बियंस का यूज करेंगे। वैसा वातावरण मत समझ लेना आपके एटमोस्फियर है, नेचुरल है, नहीं, नेचुरल वाला एटमोस्फियर की बात नहीं चल रही यहाँ पे, किसी व्यक्ति या कोई चीज़ जो है आसपास के वातावरण को चेंज कर दे तो हम एम्बियंस बोलेंगे उसको, पॉजिटिव वे में। अच्छा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सेंस ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस नहीं है। पॉजिटिव वे में यदि किसी ने आसपास का वातावरण की बात चल रही है तो फिर हम एम्बियंस का इस्तेमाल करेंगे। एम्बियंस से एक शब्द और बना है एम्बियंट, AMBIENT। अब देख रहे हैं इसमें भी AMB लगा हुआ है, इसका मतलब अराउंड होता है ना, एम्बियंट का जो बताया था मैंने क्या, बोथ, अराउंड। तो ये एडजेक्टिव है, पहले वाला जो नाउन था एम्बियंस और ये है एडजेक्टिव। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एम्बियंट वही चीज़ है कि जब आसपास का वातावरण चेंज करने का जो गुण है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बियंट कहते हैं। जैसे आप होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो लाइटिंग होती है बड़ी अच्छी होती है,
चलिए छोड़िए, कपिल शर्मा शो देखा आपने? कपिल शर्मा शो में जो लाइटिंग होती है वो कितनी अच्छी होती है लाइटिंग, मतलब जैसे ही कोई शाहरुख खान आता है या फिर, तो उसकी लाइटिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि जब वो प्ले कर रहे होते हैं कोई किसी दर्शक कोई जो ऑडियंस है उसकी फरमाइश होती है कि आप रोमांस करके बताइए, तो जो उसकी लाइटिंग होती है कपिल शर्मा शो के स्टेज की, तो वो चेंज हो जाती है ना? तो वो जो लाइटिंग है बड़ी एम्बियंट लाइटिंग है, बड़ी ही क्या लाइटिंग है, एम्बियंट लाइटिंग है, बड़ी अच्छी लाइटिंग है। आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज कर देती है पॉजिटिव, इन ए पॉजिटिव मैनर, इन ए पॉजिटिव वे, तो बड़ी अच्छी है। थीम लाइटिंग है, ड्राइंग रूम का जो लाइटिंग है वो अलग है, बेडरूम की लाइटिंग अलग है, जो मेन शो है उसकी लाइटिंग अलग है। तो इस प्रकार की जो लाइटिंग होती है जो देखने में अच्छी लगती है, माहौल क्रिएट कर देती है आसपास अराउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बियंट बोलते हैं, और एम्बियंस उस चीज़ को बोलते हैं जो चेंज कर दे आसपास के वातावरण को, ठीक है? तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देख लिए AMB पे, ये लास्ट वर्ड था, कौन कौन से देख लिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने देख लिया एम्बल, एम्बुलेट, एम्बुलेंस उससे देख लिया, सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिज्म, इससे हमने इंसोमेनिया भी देख लिया एक शब्द नया, फिर एम्बिडेक्स्टर, एम्बी सिनिस्टर, डिक्स्टर सिनिस्टर हमने नया शब्द देख लिया, इसी से एम्बी डेक्स्टरस, एम्बी सिनिस्टरस, एम्बी लेटरल, बाइलेटरल, मोनोलेटरल हमने नए नए शब्द देख लिए, एम्बी वैलेंट, एम्बी वैलेंस, इक्विवोकल, एम्बी वैलेंट में क्या फ़र्क होता है ये भी हमने देखा, एम्बी वर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या चीज़ है हमने इसको समझा, पैरम्बुलेटर क्या होता है ये भी हमने देखा, एम्बी पैरस जिसकी लीव्स और फ्लावर्स दोनों हों ऐसे पौधे, इसी के साथ हमने एम्बिग्यूस देखा, एम्बिग्यूटी देखा, एम्बियंस एंड एम्बियंट देखा। तो इतने सारे वर्ड्स हमने देख लिए, कम से कम 30-35 वर्ड्स हो गए AMB पे। तो यही फायदा है रूट वर्ड से याद करने का कि आपको बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा, और जहां भी आप AMB या AMBI देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किसका मतलब है, अराउंड या फिर बोथ, और उसी से आप तुक्का भी मारेंगे तो आप उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।